Disclaimer: under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते नमस्ते, आशा करते हैं आप लोग बड़े अच्छे वातावरण में, क्योंकि एक भले इंसान के आप वीडियो में आए हो, सही वीडियो को आपने क्लिक करा है, सही में बता रहे हैं। तो आज हम कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, ठीक है, कि भाई क्रोध आता है तो उसका क्या वो है, हल क्या है, और अगर क्रोध नहीं आता है, और मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा अगर जो स्थिति है इंसान के, देखो इंसान के मस्तिष्क में जो एक टेंशन का एक जो पहाड़ है वो तो बढ़ता जाता रहता है, हाँ मतलब प्रतिदिन रोज़ाना, कहने का ये तात्पर्य है। पर इंसान अब उस चिंता से कैसे मुक्त होगा, मुक्ति के लिए आपको मैं बताऊंगा क्या क्या आपको मतलब करना है, मतलब तरीके भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके मैं आप लोगों के सामने रखूंगा अभी। तो कहने का यही मतलब है कि भाई देखो, हर इंसान के अंदर दो तरह के मतलब लोग होते हैं, मतलब लोग नहीं होते, दो हिस्से होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। जो इंसान जितना अच्छा है वो उतना है, उससे कहीं ज़्यादा बुरा है, हर इंसान के अंदर होता है ऐसा। कोई मतलब एक महान इंसान इस धरती पे आज तक कोई नहीं आया जो मतलब बिल्कुल ही मतलब एकदम अच्छा ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। इंसान अच्छा है तो बुराई भी है उसके अंदर। तो बुराई क्यों है उसके अंदर, अब वो बुराई क्यों पैदा होती है, पहली बात तो बुराई पैदा इसलिए होती है, देखो बचपन में कुछ कुछ घटनाएं होती हैं इंसान के जीवन में, मतलब इंसान यानी कि जो एक बचपन की अगर बात करें तो एक बालक होता है, जो अब बालक के जीवन में अब क्या होता है कि भाई बालक जिस परिस्थिति में है, मतलब उसके आसपास क्या हो रहा है, मतलब अब यहाँ पे दो सूरतें आती हैं कि भाई एक अमीर घर का बालक, गरीब घर का बालक, क्योंकि अमीरी और गरीबी ये दो हिस्से हैं मतलब इंसान के जीवन के जो आते जाते रहते हैं, है ना। ये नहीं होता कि भाई अगर एक इंसान अगर अमीर है तो गरीब नहीं है, और अगर एक इंसान गरीब है तो गरीब ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी ना कभी जो इंसान गरीब है वो अमीर बनेगा, मतलब आशा तो सभी की यही है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है मतलब प्रयास करें कि भाई हमारे जीवन में कुछ हो जाए, मतलब इंसान हमेशा ये अपने बारे में सोचता है, एकदम अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है जो नहीं होना चाहिए। ये पहली गलती इंसान की, इंसान वो होना चाहिए कि भाई जो अपने बारे में तो सोचे, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बारे में मत सोचो, अपने बारे में आप सोचो, पर आप दूसरों के बारे में भी सोचो, है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि भाई लोग कहते हैं यार कि हमारे खुद के जीवन में इतनी परेशानी, हम दूसरों के बारे में क्या सोचें। ये एकदम ही गलत सोच है आप लोगों की, जिसको मैं यहाँ पे एकदम ठीक करने आया हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ घटेगा। मान सकते हैं कि भाई कभी जीवन में मतलब कभी आप आसमान में जाओगे, सातवें आसमान पर होगे, कभी आप मतलब नहीं होगी आपकी तरक्की ज़िंदगी में। और हाँ, हम बचपन की हम बात कर रहे थे, तो देखो बचपन में अगर मतलब अगर घर का अगर वातावरण अगर शुद्ध है, शुद्ध कहने का अर्थात यहाँ पे ये निकलता है कि अगर जो इंसान है मतलब अगर एक बालक है वो ही देखेगा ना, मतलब बड़ा होके वही बनेगा, तो उसने बचपन में उसकी परवरिश हुई या नहीं हुई ना। जो बालक की जो स्थिति होती है, मतलब एक साल का बालक मैं नहीं कह रहा, मतलब थोड़ा मतलब 5-6 साल का हो गया या 7-8 साल का हो गया, तब तक जो उसके अंदर का जो मस्तिष्क है उस वक्त वो मतलब एक तरह से मतलब बन रहा होता है धीरे धीरे। तो वो जो देखता है चीज़ वो ही समझता है कि वैसा ही हो रहा है। ऐसे क्या होता है कि जैसे मतलब मान लो कुछ उदाहरण के तौर पर, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो मतलब बचपन में वो मतलब देख लेते हैं या सुन लेते हैं कहीं ना कहीं पे, या पढ़ लेते हैं किसी ना किसी मतलब किताब के अंदर,
यार इस दुनिया में भूत होते हैं, चुड़ैले होती हैं, तो बालक जो जो एक बालक होता है उसको लगने लग जाता है, हाँ भाई मेरे इर्द गिर्द मेरे आसपास भाई भूत है, चुड़ैल है। बल्कि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता, बस एक मायावी जाल है, मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कदापि नहीं होता। ये बस एक मतलब वही है कि भाई कि मतलब एक जो मन में एक बार चीज बैठ गई तो वो बैठ गई, वो जाती नहीं है जवानी तक। मतलब चाहे आप उसको जवानी के बाद आप उसको 1000 बार समझा लो यार ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी वो उसी बात पे रहेगा, क्योंकि जो बचपन में जो उसने सीखी है बात वो जवानी तक चलेगी। इससे अच्छा है यार वो अगर मान लो 18 वर्ष से ऊपर उसकी आयु हो गई, आप उसे बचपन में ही आप उसे समझा दो कि ऐसा कुछ ही नहीं होता, ये बस एक मन का एक वहम है, एक कहानी और कुछ नहीं, तो इंसान एकदम मतलब उसकी जो परवरिश है वो अच्छी होती है। कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं मतलब लोग होते हैं उनका मतलब बुढ़ापे तक यही ख्याल रहता है कि हाँ भाई होता है सब, ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक बस मायावी जाल है। मायावी जाल नहीं मतलब आपके मस्तिष्क में अगर एक बार किसी ने बात डाल दी बात आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो और आप होते हैं ऐसे लोग कि भाई भूत, भाई मेरे घर में मतलब एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पे, ये एक व्यक्ति था उसके घर में मतलब इतना कर्जा आ गया, इतना वो दुखी हो गया जिंदगी से, इतना वो कर्जे में डूब गया, उसके पास बिल्कुल एक एक रुपया नहीं है कि भाई वो किसी का कर्जा उतार सके। वो बेचारा अंधविश्वास की तरफ इसी तरह लोग जाते हैं, है ना, मतलब जिनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया कि भाई पैसे तक नहीं है किसी को देने के लिए। लेना लेना पैसा आसान बात है, तो देने में मतलब अगर देने की बात है तो आप उतना सामने वाले से मांगो जितना आप दे सकते हो, ये नहीं कि भाई आपको लालच खा गया, आपको माया के संसार में ही आप रह गए, आप इतना ज़्यादा पैसा मांग लो कि भाई दे ना पाओ कल को, बिल्कुल अवश्य आप कर्जे में डूबोगे पूरी तरह, कर्जे में आप इतनी बुरी तरह डूबोगे कि फिर आप निकल नहीं पाओगे, है ना। तो इंसान को हमेशा अपने मतलब अपने जूतों में रहना चाहिए, तो जूते से बाहर जब आप पैर निकालोगे तो आप हमेशा नुकसान पाओगे जीवन में। जीवन का मूल मंत्र है कि भाई पहली बात तो लालच बुरी बला, दूसरी बात कि भाई जो भी करो एकदम मतलब सोच विचार करके करो कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है। अभी फिलहाल के लिए स्टूडियो में इतने ही रखेंगे, आगे की जो ज्ञान की बातें हैं, जैसे हम पहले हम जागो ग्राहक जागो की हम पवित्र वीडियो बनाया करते थे एक समय पे, अब से हम ज्ञान की बातें अब से हम शुरू कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा जो कुछ मनुष्यों को हमारा ये प्रवचन लगा होगा या लेक्चर लगा होगा, तो ये वास्तविकता है। आप हमारे लोकप्रिय वाले वीडियो देखो, ऐसे तो हम मतलब 5 सालों से मतलब लोकप्रिय वीडियो बना रहे हैं, हमने कहा यार चलो और बना देते हैं और थोड़ा मतलब अंधकार कम कर देते हैं, जो आपके जीवन के अंदर जो एकदम छुपा हुआ एकदम जो भ्रम है उसको दूर कर देते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, टाटा, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी।